तो प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम सांसद इस विपक्ष के गठबंधन के ऊपर हमलावर फिलहाल बीजेपी और बीजेपी के तमाम सांसद नजर आ रहे हैं। रवि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस दिन बैंगलोर के अंदर इस गठबंधन का ऐलान हुआ था, उस दिन भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बड़ा वार किया था, और उसके बाद से लगातार इस नाम, इस गठबंधन के ऊपर उनके तंज और उनके तीर लगातार चल रहे हैं। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी, ढाल तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं 2020 के अंदाज में खेलते हैं कि एक भी बॉल छोड़ना नहीं है। एक बॉल छोड़ने का अर्थ है कि एवरेज बढ़ जाएगा, फिर आपको अगर दूसरे पक्ष को हराना है तो एवरेज बढ़ता चला जाएगा, तो एक बॉल छोड़ना नहीं है, पहले हिट करते हैं। आप देखिए विपक्ष की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री का बयान आया, तो विपक्ष की बैठक को लेकर और उनकी नीयत को लेकर, और अब जो है जिस तरह से विपक्ष अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहा है, तो उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने उनको अटैक किया, तमाम सारी बातें कही। लेकिन विपक्ष की बात करें तो देखिए अभी अभी पवन खेड़ा का मैं ट्वीट देख रहा था, प्रधानमंत्री के बयान को लेकर जो रविशंकर प्रसाद का बयान आया उस पर उन्होंने, पवन खेड़ा जो मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, उनका कहना है कि मोदी जी आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि इंडिया से ही नफरत करने लगे हैं। यही बात आने वाली थी, उस समय भी कहा गया था कि अगर इंडिया को प्राइम मिनिस्टर अटैक शायद नहीं करेंगे, इसलिए इंडिया नाम रखा गया, और अब इंडिया को भी प्रधानमंत्री ने अटैक करने का रास्ता निकाल लिया कि इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन भी हैं, इसके पहले जो जो कहा जाए देश की आज़ादी से पहले जो संगठन था जो काम कर रहा था पर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम प्रधानमंत्री ले लिया, तो प्रधानमंत्री रास्ता निकाल लेते हैं आपको कोसने का। अब कांग्रेस को ये डर था कि को लगता था, चाहे गठबंधन को लगता था कि इंडिया नाम को प्रधानमंत्री अटैक करना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन क्या सोच रहा है, क्या ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? तो उल्टा आपने हमारे एक और मेंबर को, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, तो हम लोग गांधी स्टैचू के पास बैठ के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में गुहार लगा रहे हैं सरकार से। लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं सदन में। देखिए हर बार ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मणिपुर के बाद और इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, ये सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं। चार लाइन बोला तो ये भी बोल देते ना कि हम चर्चा चाहते हैं लेकिन 267 और एडजॉर्नमेंट मोशन में नहीं चाहते हैं। ये भी अमित शाह जी को कहना चाहिए था कि हम इसको अति संवेदनशील और अति अर्जेंट मैटर नहीं मानते हैं, क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन में डिस्कशन नहीं लेना इट मींस कि सरकार इसको अति संवेदनशील और अर्जेंट मैटर नहीं मानती है। तो कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन को आप सुन रहे हैं, और बीजेपी नेता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वार किया है, इंडिया नाम को लेकर यह बहस, इंडिया नाम को लेकर यह तंज, कांग्रेस का कहना है कि यह जो विरोध है कांग्रेस का या गठबंधन का विरोध, विपक्ष का विरोध इस हद तक चला गया कि इसमें इंडिया नाम के ऊपर तंज किया जाने लगा, क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है इस मामले पर? देखिए जिस तरह की राजनीति अपोजिशन कर रही है वो बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल अपोजिशन की राजनीति है। मुझे लगता है कि देश को तोड़ने की राजनीति है, देश को जोड़ने वाली राजनीति नहीं है, और इसी के बार बार जो भी ऐसे काम होते हैं जिसे चाहे तो तुष्टीकरण, चाहे परिवारवाद, और अब इस तरह से समाज को बिखेरने वाली जो है वो राजनीति है अपोजिशन के, और उसके बारे में, और अब तो वो इस हद तक गिर गया है कि देश के नाम को भी अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझती है कि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं और जिस तरह की ऊंची राजनीति पे अब उतर गए, देश की जनता समझती है, देश की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे है, और जब भी मौका आएगा उसका जवाब उनको बार बार मिला, इस बार भी मिलेगा। तो चलिए अब जरा विपक्ष से भी जवाब ले लेते हैं। राशिद अलवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद साहब, जफर इस्लाम साहब का तो कहना है कि ये विपक्ष ने दरअसल स्तर नीचे गिराया है चर्चा का, संवाद का। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हताश और निराश है इस समय विपक्ष, और नाम तो इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। देखिए प्रधानमंत्री को इस कदर डर और खौफ मैंने कभी नहीं देखा जितना इंडिया के नाम से अब पैदा हो गया है। आपने अपोजिशन के किसी नेता को एनडीए के खिलाफ इस तरह बोलते देखा है? कभी नहीं बोलते। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, और इंडिया से इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी को हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी भी इंडियन डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट भी इंडियन पार्लियामेंट है। इसे पार्लियामेंट को, डेमोक्रेसी को, संविधान को भूल गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद आ रही है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के विपक्ष। जफर साहब, सुना आपने, राशिद अलवी साहब तो कह रहे हैं कि आप बड़े सेलेक्टिव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो वार किया उसमें सेलेक्टिवली उन संगठनों, उन संस्थाओं का नाम लिया, उन आतंकी संगठनों का नाम लिया। इंडिया नाम तो बहुत सारे संगठनों में इस्तेमाल होता है।
तो देखिए फिर आपको क्या परेशानी है, क्यों डरे हुए हैं आप? अलवी साहब, मैं जफर साहब से चाहता हूँ जवाब इसका। जगह इस्तेमाल होता है जी, अगर विपक्ष इंडिया जिस तरह के राजनीति कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा होने की क्या बात है? लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं तो अब ये देश का नाम इस्तेमाल करके लोगों के मन को जीतने की कोशिश करें, लेकिन इनको पता रहना चाहिए लोगों का मन और विश्वास जीतने के लिए लोगों के लिए काम आना चाहिए, उसकी सेवा करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में जिस तरह से सेवा की जनता की, जिस तरह से लोगों के लिए जो है काम किया है, लोगों के बीच में जाके उनके समस्याओं का समाधान निकाला है, आज देश का हर नागरिक इस बात को समझता है कि देश का वर्चस्व दुनिया के बिल्कुल जबर है। लेकिन अभी फिलहाल तो इस मामले को लेकर सियासत गर्म है, जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा। राशिद अलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। Z News.